जैसा कि आप सभी लोगों को पता है तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव 2019 जिसका कि 6 जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूसी का जिसका कल पोलिंग डे है और पोलिंग टाइम जो है वो मॉर्निंग के 7 बजे से लेकर के इवनिंग के 6 बजे तक रहेगा। वो 6 जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूसी के अंतर्गत 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, रजौरी, पुंछ, जम्मू और सांबा। टोटल असेंबली सेगमेंट जो है 20 असेंबली सेगमेंट है जिसके अंतर्गत 11 असेंबली सेगमेंट जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, 2 असेंबली सेगमेंट सांबा डिस्ट्रिक्ट में, 4 असेंबली सेगमेंट रजौरी डिस्ट्रिक्ट में और 3 असेंबली सेगमेंट जो है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें टोटल जो पोलिंग स्टेशन है वो 2740 है जिसके अंतर्गत 1380 पोलिंग स्टेशन जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। वो टोटल वोटर जो है 20,692 वोटर से पूरी जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूसी की, जिसके अंतर्गत जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो टोटल वोटर है वो 1,71,000 है। और इन सभी 4 डिस्ट्रिक्ट के जो पोलिंग जो कल होने जा रही है और इसके अंतर्गत आपने देखा कि 24 कैंडिडेट्स हैं जिसमें से एक नोटा वहाँ चिन्ह रहेगा। इस तरीके से 2 BU यूज हो रही है तो वहाँ पर 25 रहेगा, इसलिए 2 BU है। तो BU के साथ में इस बार आप देखेंगे एक नया फीचर जो आया है, VVPAT यूज हो रहा है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसके अंतर्गत आपने जो अवेयरनेस चलाई थी उसके अंदर दिखाया गया था कि जो भी वोट देगा उसको उसके अंतर्गत उसमें जो 7 सेकंड के लिए दिखाई देगा जो सिंबल और उस कैंडिडेट का नाम दिखाई देगा जहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया है। तो इसके अंतर्गत स्वीप की एक्टिविटी की गई जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में EVM VVPAT का अवेयरनेस करवाया गया जिससे उन लोगों को पूर्णतया उसकी जानकारी रहे और उनको डिफरेंट जगह जाकर के हैंड्स ऑन भी करवाया गया। और स्वीप एक्टिविटी के अंतर्गत ये भी रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इलेक्ट्रल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और पोलिंग डे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आकर के ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें। इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात मेनली मैं करूँगा जहाँ पर कि 1380 पोलिंग स्टेशन है उसके अंतर्गत 169 पोलिंग स्टेशन जो कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, 12 पोलिंग स्टेशन जो वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन है, इन सभी पोलिंग स्टेशन के ऊपर सुरक्षा के पूर्णतः इंतजाम कर दिए गए हैं। पोलिंग पार्टी आज डिस्पैच कर दी गई है तो सभी पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग पार्टी पहुंच चुकी है इसके अंतर्गत जो सुरक्षा के रूप में देखेंगे तो CPF, JK पुलिस, JK आर्म पुलिस लगाई गई है। इसके अलावा 111 सेक्टर एस्टैब्लिश किए गए हैं पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, उसके ऊपर 11 जोन हैं जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस की तरफ से जोनल ऑफिसर सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तरफ से वहां पर सेक्टर ऑफिसर रहेंगे जो कि पूर्णतया ऑल डे और आज से वो पूरी तरीके से उसके ऊपर पूरी निगरानी रखेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें किसी भी तरह की कहीं पर भी किसी भी माल प्रैक्टिस या किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसे कि आपको पता है कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, एक IT के रूप में लिया गया था जिसमें आपने देखा कि MCC वायोलेशन के अंतर्गत CVG ऐप बनाया गया था जिसमें आप कहीं पर भी अपना फोटो खींच करके या वीडियो लेकर के यदि कहीं पर MCC वायोलेशन हो रहा तो वो कर सकते थे। यहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उसमें 34 कंप्लेंट्स आई हैं और 34 कंप्लेंट्स का पूरा डिस्पोजल किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड SST डिप्लॉय की गई थी, वो प्रॉपरली फ्रिस्किंग गाड़ियों की और जहाँ पर कहीं पर किसी भी तरीके की सूचना मिलती तो उस पर कार्रवाई की गई। उसके अलावा एक्सपेंडिचर के लिए भी पूर्णतया यहाँ पर इंतजाम किए गए थे, वीडियो सर्विलेंस टीम और वीडियो व्यूइंग टीम रखी गई थी, उनकी डेली की न्यूज़ पे प्रिंटिंग पे पूर्णतया से नज़र रखी गई थी और पूर्णतया उसमें सहयोग रहा। MCC वॉलेस में जहाँ जहाँ शिकायत आई उनको एक्शन किया गया। कल जो वोटिंग डे है इसमें आप देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो थीम लाइन रखी गई है, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। एक तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि इसके अंदर इस बार 100% पोलिंग स्टेशन पर VVPAT यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा 141 पोलिंग स्टेशन है जहां पर कि वेबकास्टिंग का प्रबंध किया गया है जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक उसको देख पाएगा, वहां लाइव वेबकास्टिंग होगी। उसके अलावा हमने यहां पर 169 माइक्रो ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से PSU से हैं जो कि उसके ऊपर जिसके पोलिंग प्रोसेस के दौरान पूर्णतया नज़र रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो PWD वोटर्स हैं
पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके स्पेशल इंतजाम किए गए हैं, व्हील चेयर्स रखी गई हैं और जहाँ जहाँ पीडब्ल्यूडी वोटर्स ज़्यादा है वहाँ पर उनका फैसिलेशन काउंटर बनाया गया है और वहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स भी रखे गए हैं जिससे पीडब्ल्यूडी वोटर्स या ओल्ड एज वोटर्स आता है उनको हेल्प की जाएगी। और नया फीचर जो है इसके हैं कुछ, हमने यहाँ पर 44 के लगभग मॉडल पोलिंग एस्टेब्लिश किए गए हैं जिसको कि पोलिंग स्टेशन को अट्रैक्टिव बनाया गया है और वहाँ पर फैसिलिटीज रखी गई हैं, वोटर्स हेल्प डेस्क रखा गया है, उसके अलावा वहाँ व्हील चेयर रहेगी और वहाँ पर उनका सामियाना रहेगा जिससे वो सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा जिससे कि जो भी वोटर वहाँ पर आए, क्यू लगी है तो उनको किसी भी तरीके की धूप में परेशानी ना हो। और इसके अलावा नो पोलिंग स्टेशन जो है, वुमन मैनेज पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं। उन पोलिंग स्टेशन के अंतर्गत जो पोलिंग पर्सनल जो है वो फीमेल होगी जो कि पोलिंग करवाएगी वहाँ पर। उसके अलावा हमने कोशिश ये की है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो भी फीमेल रहेगी। अंत में मेरा यही जम्मू वासियों से निवेदन रहेगा कि कल का दिन जो है, जैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ कहा गया है कि देश का ये महात्योहार है, इसको फेस्टिवल के रूप में लें और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक जो है अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन पर जा करके वोट कास्ट करें। कोई भी व्यक्ति जो है जिसका इलेक्ट्रोल रोल में नाम है, एलिजिबल है, वो किसी भी तरीके से वोट कास्ट करने से वंचित नहीं है। एक चीज़ का मैं आपके सामने और खुलासा करना चाहता हूं कि यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में कल से और परसों से कुछ चीज़ चल रही है कि यदि आपका इलेक्ट्रोल रोल में नाम नहीं है तो आप इस तरीके से वोट दे सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं पूर्णतया सही साबित नहीं है, जो कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जिसका इलेक्ट्रोल रोल में नाम नहीं है वो किसी भी तरीके से वहाँ पर जाकर के वोट कास्ट नहीं कर सकता है। जो टेंडर वोटर की वहाँ पर बात की गई है वो इसलिए है, जो उस लॉ के अंदर है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, जिसके अंदर यदि आपका इलेक्ट्रोल रोल में नाम है, आप जब वोट देने जाते हैं तो कहीं ये है कि आपसे पहले किसी ने वोट कास्ट कर दिया है तो वहाँ पर आप टेंडर वॉलेट का यूज़ करके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। है कि जिसमें आज से पहले जो वोटर स्लिप होती थी उस वोटर स्लिप को जो है आइडेंटिटी प्रूफ यूज किया जाता था, पर इस बार जो है